हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 180। ये क्वेश्चन हमने लिया अकाउंटिंग रेशियोज मिसलेनियस क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल 24-25 एडिशन से, और आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 3.125 पर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 180, अकाउंटिंग रेशियोज। देखो क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले हमें निकालना है डेट इक्विटी रेशियो, फिर हमें निकालना है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, देन थर्ड इज प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, अब हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25,000, जनरल रिजर्व 45,000, बैलेंस इन पीएनएल क्रेडिट बैलेंस 30,000। देखो, जब भी बैलेंस इन पीएनएल दे रखा है और हमें नहीं बोला है कि वो क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, तो हम एज्यूम मान करेंगे कि वो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट का मतलब है इट इज़ एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, डिबेंचर 75,000, ट्रेड पेपर्स 40,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेट इक्विटी रेशियो। फर्स्ट इज डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, द फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी मीन्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी माने शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, LTB प्लस LTP डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पे हमें हिसाब दिखता है, हमारे पास एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है सिर्फ, वो है 75,000 का डिबेंचर्स, और कोई भी बोरिंग्स नहीं है। तो 75,000 हो जाएंगे डिबेंचर्स अमाउंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब हमें चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, उसमें इक्विटी कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस कैपिटल आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस आएगा, ये चारों चीज़ें आएंगी। तो इट वुड बी 75,000 प्लस 25,000 प्लस 45,000 प्लस इट वुड बी 30,000। ठीक है, ये चारों चीज़ें आ जाएगी, ये शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। तो इट वुड बी 75,000 डेट डिबेंचर डिवाइडेड बाय 1,75,000। सो वील गेट डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 75,000 डिवाइडेड बाय 1,75,000, इट वुड बी 0.43। राउंड ऑफ करने के बाद 0.43:1, इट इज़ अ प्योर रेशियो, इट वुड बी इन द प्योर फॉर्म। तो हमारा फर्स्ट हो गया डेट इक्विटी रेशियो। अब हमारे पास सेकेंड है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। सेकेंड इज टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल असेट्स अपॉन डेट। ठीक है, अब टोटल असेट्स टू डेट रेशियो कैलकुलेट क्यों करते हैं, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम ये पता लगाने के लिए कि हमारे पास जो असेट्स हैं उन असेट्स ने डेट्स को कितना कवर अप कर रखा है। अगर हमको असेट्स बेच के, असेट्स को रियलाइज करके हमें डेट्स को पे ऑफ करना पड़े तो हम कितना पे ऑफ कर पाएंगे इजीली। तो ये है हमारे पास टोटल असेट टू डेट रेशियो। डेट यहाँ पे सिर्फ डिबेंचर होगा, हमें पहले भी पता है डिबेंचर ही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में डेट। अब हमें निकालना है टोटल असेट्स, तो इस क्वेश्चन में टोटल असेट्स की वैल्यू हमें कहीं नहीं दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, सारी लाइबिलिटीज़ भले एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, इक्विटी कैपिटल हो, कोई सी भी लाइबिलिटी हो, इन सारी लाइबिलिटीज़ का टोटल कर देंगे। ये जो सारी लाइबिलिटीज़ का टोटल है, ये बैलेंस शीट की पूरी लाइबिलिटी साइड है। अगर हम लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो लाइबिलिटी साइड का जो टोटल आएगा वही हमारा टोटल असेट्स होगा, क्योंकि लाइबिलिटी साइड इज़ इक्वल टू टोटल असेट साइड, दोनों साइड इक्वल होती हैं एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम इन सब की टोटल कर लेते हैं, तो इट वुड बी 75 प्लस 25 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, सो इट कम्स 3 लाख रुपीज़। इन सब की जो टोटल आ रही है वो आ रही है 3 लाख रुपीज़। तो यही हमारे टोटल असेट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 लाख रुपीज़ इज़ द टोटल असेट्स, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग डिबेंचर्स की वैल्यू से, क्योंकि डेट हमारे पास सिर्फ एक ही है 75,000। तो डिबेंचर्स की वैल्यू से हमने डिवाइड कर दिया, तो इट वुड बी 75 75 150, 4 टाइम्स। तो इट वुड बी 4:1, ये हो गया हमारा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। थर्ड है हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। प्रोप्राइटर्स ने जो पैसा लगाया है, या शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। अब देखो, टोटल असेट्स जो हैं,
टोटल असेट्स तो हमने पहले वाले जो क्वेश्चन को सॉल्व किया वहीं से ले लेते हैं। 3 लाख रुपीज़ हमें पता है हमारे टोटल असेट्स हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ने जो पैसा लगाया, प्रॉपर्टीज फंड कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें हमारे पास है इक्विटी कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट इज इक्विटी कैपिटल, प्रॉपर्टी फंड, प्रेफरेंस कैपिटल, जनरल रिजर्व और बैलेंस इन पीएनएल। सो इट वुड बी 75, 125, 1 लाख, 145, 175। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज फंड है 1,75,000। तो इट वुड बी 175 डिवाइडेड बाय 3 लैक्स इज इक्वल टू 0.58। तो इट वुड बी 0.58:1। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज रेशियो। तो गाइज यहाँ तक आगे तीनों चीज पार्ट सॉल्व हो गए हमारे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हमने जो कुछ भी सॉल्व किया, अगर एसेट्स को भी हमने निकाला तो हमने लाइबिलिटी साइड से निकाला, क्योंकि हमारे पास एसेट साइड की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हमने लाइबिलिटी साइड की इन्फॉर्मेशन से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।